नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु कुमार है। मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ कैलाश हॉस्पिटल देहरादून में। आज मैं आपसे कुछ स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन कंडीशंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेनली जो मेरा फोकस है वो है विंटर स्किन केयर पे, चूँकि मोर टॉपिकल है कंसिडरिंग अभी विंटर सीजन है, सर्दी का मौसम है, तो कुछ स्किन प्रॉब्लम्स जो हैं ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती हैं और उसके हिसाब से स्किन केयर में भी कुछ चेंजेस करने ज़रूरी हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम ड्राई स्किन के बारे में। विंटर सीजन में चूँकि एयर भी थोड़ी थिन हो जाती है, ह्यूमिडिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसके वजह से स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है। ये प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है जिनकी स्किन ऑलरेडी थोड़ी ड्राई होती है, और जिनकी स्किन नॉर्मल भी होती है उनकी स्किन भी थोड़ी ड्राई होने की चांसेस रहते हैं। तो ड्राई स्किन केयर के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सो हम शुरू करेंगे पहले चीज से जो है शावर। तो शावर करने में काफ़ी पेशेंट्स पूछते हैं कि सर किस तरीके के पानी से शावर करना चाहिए या हमारी शावर हैबिट किस तरीके से होनी चाहिए। तो विंटर सीजन में अगर आपको ऑलरेडी ड्राई स्किन है तो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा गर्म पानी से भी स्किन और ड्राई होती है। जो आपके स्किन के एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो गर्म पानी की वजह से स्ट्रिप अवे हो जाते हैं, जिसके वजह से स्किन और ड्राई हो सकती है। तो ज़रूरी है जो आपका पानी है वो थोड़ा सा गुनगुना रहे, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। सेकेंडली, शावर में जो है आप ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें, जितना जल्दी शावर ले उतना ज़्यादा ठीक है। और जब नहाने के बाद आप जो टॉवल तौलिया का इस्तेमाल करना है वो भी लाइटली टॉवल से टैप करना है, बहुत ज़्यादा टॉवल को हार्श या विग्रस तरीके से स्किन को ड्राई नहीं करनी है। अब शावर करने के बाद आपको सबसे पहला काम जो करना है वो है मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल। विंटर सीजन में मॉइस्चराइज़र को आप जितना बार यूज़ करें उतना कम है। सो कम से कम एक रूटीनली दिन में दो बार इस्तेमाल करना ज़रूरी है, एक बार शावर करने के बाद और एक बार दोबारा शाम में। दूसरा क्वेश्चन जो पेशेंट्स पूछते हैं, सर किस तरीके का मॉइस्चराइज़र मेरे लिए सबसे ठीक होगा? तो मॉइस्चराइज़र में मार्केट में तरह तरह के मॉइस्चराइज़र हैं। इट रियली डिपेंड्स कि आपकी स्किन को किस टाइप के मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है। एज अ थंब रूल, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र जिसमें पैराफीन, ग्लिसरिन ये चीज़ें हैं, वो मॉइस्चराइज़र आपके लिए यूजुअली अच्छे रहते हैं। अदर देन दैट, अगर आपको ज़्यादा बॉदर करती है स्किन, ड्राई स्किन, बहुत ज़्यादा इचिंग या आपको रैशेज होने लग जाते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर किसी अपने आस पास स्किन स्पेशलिस्ट से मिले। और मॉइस्चराइज़र के बाद आपकी जो स्किन क्लोदिंग जो होती है, आप कपड़े जो पहनते हैं, उससे भी कई बार स्किन जो ड्राई स्किन है वो इरिटेट हो सकती है। विंटर सीजन में काफ़ी हम वुलन क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं, वार्मर्स पहनने पड़ते हैं, और जो ऊनी कपड़ा है वो भी स्किन को इरिटेट कर सकता है फर्दर। तो उसका एक ये उपाय है कि पहले आप कॉटन की एक लेयर पहने, कॉटन कपड़े की, पतले कपड़े की, उसके ऊपर जो भी आपको वुलन क्लोथ्स डालने हैं वो डाल सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक मैं आप डिस्कस करना चाहता हूँ वो है रिगार्डिंग डैंड्रफ। विंटर सीजन में जो डैंड्रफ है वो समस्या काफ़ी लोगों की बढ़ जाती है। तो जब हम डैंड्रफ की बात करते हैं तो पहले समझते हैं डैंड्रफ क्या होता है। डैंड्रफ होती है आपके स्किन में जो सर्स में जो एक पपड़ी निकलने लगती है, स्केल्स, फ्लेक्स बनने लगते हैं, और ये फ्लेक्स जो है कुछ लोगों को नॉर्मली भी बनते हैं, लेकिन जिनको डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है उनको ये फ्लेक्स कुछ ज़्यादा ही बनने लगते हैं और विंटर सीजन में और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नाउ डैंड्रफ का जो है कोई एक परमानेंट इलाज नहीं है, इसमें एक यीस्ट होती है, जो फंगस एक होती है जो सबके स्कैल्प में, सर में होता है, बट कुछ लोगों के स्कैल्प में कुछ ज़्यादा ही इसका ग्रोथ हो जाता है, जिसकी वजह से कि ज़्यादा ये पपड़ी, फ्लेकिंग होने लग जाती है। लाइक आई सेड, ये विंटर में बढ़ता है। और डैंड्रफ के लिए जो ट्रीटमेंट है उसमें कई तरीके के शैम्पू आते हैं, बट एक दो चीज़ें जो शैम्पू में आपको चेक करने हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू में, वो है नंबर वन केटोकोनाजोल। तो कोई भी केटोकोनाजोल शैम्पू यूजुअली अगर आपको माइल्ड डैंड्रफ है तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। केटोकोनाजोल, सेलेनियम सल्फाइड और जिंक पायरोथियोन जैसे इंग्रेडिएंट्स आपको शैम्पू में देखने चाहिए डैंड्रफ के लिए। दूसरी चीज़ है कुछ चीज़ें जो आपको नहीं करने चाहिए अगर आपको डैंड्रफ है। नंबर वन, यूज़ ऑफ हेयर ऑयल। तो हेयर ऑयल का यूज़ थोड़ा अवॉइड करें आपको डैंड्रफ है, बिकॉज इट कैन मेक योर डैंड्रफ वर्स। अगर करना भी है तो ट्राई यूजिंग थिन ऑयल्स जैसे कि नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल,
आलमंड, कैस्टर और मस्टर्ड ऑयल तो डेफिनेटली अवॉइड करना बेहतर है। हेयर वैक्स, हेयर क्रीम्स, इस तरह की कोई भी हेयर कॉस्मेटिक वाली चीज़ें भी अवॉइड करें यूज़ करना। सो थैंक यू मेरा आज बने रहने के लिए। एंड हमने बेसिकली जो विंटर स्किन केयर में हमने दो चीज़ें बात करी, ड्राई स्किन और डैंड्रफ, जो कि मोस्ट कॉमन कंडीशंस है, बट अदरवाइज एनी आपको कुछ भी कोई भी स्किन इशू हो, स्कैल्प इशू हो जो विंटर्स में बढ़ते हैं, अदरवाइज आप प्लीज़ कंसल्ट करें स्किन स्पेशलिस्ट इफ अगर आपको ये रेगुलर चीज़ों से सहायता नहीं मिल रही है तो। थैंक यू।